रातों ने दिन के बिस्तर साटे हैं। किस्मत, ये भी क्या कमाल की चीज है ना यार। किसने सोचा था एक ही शहर में रहने वाले लोग एक ही जगहों पे घूमने वाले जाके कनाडा में आके मिलेंगे। मेरे कॉमन फ्रेंड्स थे जिनके घर में ऐसे ही हम लोग गेट टुगेदर कर रहे थे, तो उस टाइम में पुशअप लगा रहे थे ऊपर, तो बहुत धम 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 आवाजें आ रही थी ऊपर से उनके, चल क्या रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई क्या हो रहा है। तो ही वाज देन ही केम डाउन लाइक ऑल स्वेटी, मन का पता नहीं कौन है यार। नींद मैं कनाडा अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड के कारण मूव हुआ था, तो याद है मुझे पहली बार जब घर पे मैं उससे पहली बार मिला, वो स्माइल मुझे हमेशा याद है, ये कि मैंने पहली बार तन्वी को प्रपोज किया। He asked me out, but I said no. और उसने बड़े प्यार से और बड़े ही रूडनेस से मुझे मना कर दिया। अप्रैल फूल्स डे था व्हेन ही आस्क्ड मी आउट, तो उसके और उसके फ्रेंड ने प्लान बनाया था कि अगर तो हाँ कर दी तो वेल एंड लाइक गुड, अगर ना कर दी तो कह देंगे अप्रूव फूल्स अप्रूव फूल्स। और उसके बाद मैंने दो तीन दिन तुझसे बात नहीं करी थी, मुंह फुला के रखा, जो तू हमेशा मुझे बोलती है कि आपने मुंह फुला लिया, जबकि उसके दिल में था कि मैं दोबारा से प्रपोज करूं। और वो हर लड़की का एक आई थिंक राइट है कि पहली बार ही ना करना और दूसरी बार लड़का वापस जाके उसको प्रपोज करे। मैंने वो तेरे से छीना, सॉरी उसके लिए। सामने आ रही हूँ तो नो हाय नो हेलो, बस आगे से मुँह मोड़ के चले जाना। हम रोज रात को ना वॉक करने जाया करते थे, वो भी बंद हो गया जब मैंने सेकेंड टाइम यू नो आई हैड टू आस्क हिम आउट, तो मैंने उसको बोला चलो वॉक पे चलते हैं, तो उससे उसको लगा कि यू नो हिंट है कुछ। तो लेकिन तूने वापस मुझे प्रपोज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। आई थिंक तन्वी और खुशी दोनों एक साथ चलते हैं। वो जहाँ पर है वहाँ पर दुख नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी एक नेचर ऐसी है, एक ऐसा ऑरा लेके आती है आसपास में, खुद भी खुश रहती है औरों को भी खुश रखती है। आई थिंक ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी जिसके कारण मैं मेरे को उससे जो प्यार हुआ, जो मैं उसके लिए अट्रैक्ट हुआ। Very loving, very caring, so genuine. Or I just can't explain the love he has for me and I have for him. Is I don't know the words. जाने के टाइम पे देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे।
जितना प्यार चिराग आपने मुझे दिया है और जितनी केयर दिया है, बस ये उम्मीद है, ये होप है आने वाले फ्यूचर के लिए कि मैं भी उससे ज़्यादा प्यार आपको और आपकी फैमिली को दे सकूं। और बस हम लोग ऐसे ही जैसे आज है वैसे ही 50 साल बाद जब सफ़ेद बाल आ जाएंगे और चला नहीं जाएगा, बस ऐसा ही प्यार रहे तब तक। आई थिंक हम काफ़ी दूर आ गए हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे लाइफ में। इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि हम हमेशा साथ रहे, और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट मैं तन्वी को भी दूंगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग का टाइम था उस टाइम पे आई थिंक मुझे नहीं पता था कि रिलेशनशिप कितना वैल्यूएबल है। उसने मेरे को ये वैल्यूज इस रिलेशनशिप की सिखाई कि एक मटीरियल चीज़ नहीं है, रिश्ते जो बनते हैं उनको लंबे टाइम तक निभाना होता है। मैं ये कहूँगा कि वेलकम टू माई लाइफ, वेलकम टू द फैमिली। आई जस्ट वांट टू से आई लव यू। आई नो कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बट यू नो एज आई डू एवरी डे, सो आई एम जस्ट गोना से दैट आई लव यू अ लॉट। बस मैं यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि तू मेरे साथ में है, और हम मैं अपनी बुढ़ापे तक की लाइफ तेरे साथ हंसते खेलता हुआ बिता सकूँगा, और बूढ़े हो गए हम आई थिंक बिना दांतों के ऐसे ही हंस सकेंगे।